किदा पता चलेगा वेन च लगी कि नहीं सही वो मैं तुम्हें दसदा तुम भी पढ़ लो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या मेरे मां का करम करे या शफी। सब तो पहले तो जी मच्छर तो बचना बहुत जरूरी है। इनू लाने लगे दोस्तों ड्रिप नाले तुहानू तरीका चैक कराउणा नाले थोड़ा जिहा अपने ला लवां ते नाले इहदे ला दां क्योंकि जिहड़ी मच्छर दी भी 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 है ना साडा ते दिमाग खा गया। इन्ना कुत्ते नहीं रौला पाउंदे जिन्ना मच्छर भी भी करदा। तू वढ़णा तू चुप करके वढ़ ला तू पूरे पिंड नूं जरूर दसणा कि मैं इहनूं भाई वढ़ लिया मैं तां खून पी लिया। अच्छा जी वीडियो दा अज दा टॉपिक है जी डॉग को ड्रिप कैसे लगाएं। सिर्फ वीडियो इस करके बना रहे हां कि तुहाडा वी तुहानूं नॉलेज वास्ते कि बहुत सारे बंदे जिहड़े ना आ गए ना ते व्हाट्सएप ते मैनूं प्राइवेट आ के मैनूं मैसेज करदे परेशान करदे आ भाई फिर बार बार एक ही गल नूं लै के लोग रिपीट कर दिंदे आ। मैं तुहानूं इक्को गल पहले दसां मैनूं हमेशा इस चीज़ तों चिड़ चढ़दी जदों कोई एक बंदा बार बार फोन मैसेज हालांकि बंदा कितने मसरूफ हुंदा कोई आ गया भी हुंदा वा। कल भी एक बंदे दा फोन आ गया भाई जी वो इंज हो गया भाई हुण इहनूं की करिए फलाना हो गया। मैं कहा यार मैं वीडियो बना के दस दांगा तुसीं मेरा वीर वीडियो वेख लईओ ठीक है क्योंकि तुहानूं पता कि शौक दे नाल नाल बंदे दी कोई जाती जिंदगी भी हुंदी है ते थोड़ा जिहा लोशन मैं ना इहनूं भी ला देण लगा आ क्यों पहले मैं अपने ला लैण हत्थ गंदे करने मैं इहनूं भी ला देवां इहनूं भी गरीब नूं मक्खियां ते तां मच्छर तंग ना करेगा इस करके रफ रफ जिहा इहनूं मैं मल दित्ता कि इहनूं भी पी पी ना करे। तो लाइटां ते असीं बड़ियां अच्छियां लाइयां ने फिर भी मैं भी तुहानूं कोई फर्क नज़र आउंदा होवे बस पुत्तर बस बस लम्मा पै जा ते पहले तो दुआ भी करियो यार सैट हो जाए। उहनूं कीमा शीमा स्टार्ट कीता सीगा आस्ता आस्ता सब्जी सुब्जी पा के रोटी पा के उन्हें फिर पेट खराब हो गया। ए आओ जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ए सब तो पहले जो बनया हो ना ये कोई भी स्पैशल चीज़ नहीं हैगी आही पुराना ड्रिप सैट का पैप आ जिहड़ा असीं कट के इत्थे बनया होया। एक चीज़ तुहानूं मैं दिखा देवां नवें शौकीनां वास्ते तुहानूं पता नहीं मिलदी कि नहीं मिलदी तुसीं कोई बरीक सूई सुई यूज़ कर लईओ ठीक है। यह सुई जी GMS कंपनी की है इनफ्यूजन सैट स्कैल्प वेन ठीक है जी। नाड़ लाने वास्ते स्पैशली बनी होंगी है मेरे को नवी भी पई है तो मैं ऑलरेडी खोली भी मैं तुम्हें क्या दोस्तों ने मतलब चैक करवा दी है इन्ना सौखा हो जाता स्पैशली वेन वास्ते होंगी है आर पार नहीं होंगी यानी वड्डी सुई लाओगे ना सैट वाली 10cc जी सिरिंज में लगी होंगी वो आर पार हो जाती है। मैंने कम अज़ कम 3-4-5 मिनट तो ज़्यादा हो गया मैं वेन बनी हुई है अगों उपर एक ड्रिप से मारी जरा आ देखो ड्रिप चल रही कतरे डेग रहे ना थलो भी सही निकल रही है इन्हें मतलब है कि सही चल रही है। बड़े महंगे टीके पाए हैं इस करके टाइम ना बंद कर दिया वेखियो जरा एन बटरफ्लाई में मैं इस तरह फड़ लिया तो पढ़ लिया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या शाफी ए मेरे मालका तू ही इन्हें शफा देने वाला तू ही जिंदगी से तू ही मौत देने वाला ये गल तुहाडे ज़हन च पहले होनी चाहिए है हाथ ना महसूस कर रहा मैं मैंने वेन महसूस हो रही है बाकी मेरे मालक के काम आ जी बिस्मिल्लाह पढ़ के लाने लगा वा किदा पता चलेगा वेन च लगी कि नहीं सही वो भी मैं तुम्हें दसदा तुम भी पढ़ लो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या मेरे मां का करम करे या शफी। आ देखो ब्लड आ गया अल्लाह दे करना तुहाडे वी ने पहले ही दफा ही सुई लाई है लाइव ते ब्लड आ गया हुण पता किदा चलेगा इहनू फौरी पहले खोल लेना ए गंढ तस्मे वाली बंधनी दूई बन लो मुड़ के दंदा ना खोलते रहो तो फिर फस जाओगे ठीक है जी। ए विच ब्लड आ गया अदनान भाई जरा फोकस रखना पूरा इन्हें उत्ते सिरिंज के उत्ते ठीक है इधरों इन्हें दिखाई उपर जरा इन्हों ने मैं आस्था जी खोलन लगा जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ए वेखियो ठीक है जी ए ब्लड चला गया अंदर ए मैं चलाती जी ये अल्लाह दे हुक्म नाल सुई सही लग गई उत्तों दिखा आओ देख ड्रॉपिंग शुरू हो गई है इन्नी जी कम आ ते जे तुसीं कल्ले हो तो टीके पहले पा लवो ठीक है असीं तां ऑलरेडी तैयार करके चेक कर लिए फुल तो नहीं रही नहीं बिल्कुल ठीक जा रही है क्योंकि अगर रुकी हुई सी ना ये तुहानू बंद होना या चलन का तुहानू किदां बेहतर पता लगना तुसीं ड्रिप देखनी है जे तो ड्रॉपिंग बिल्कुल नॉर्मल सही हो रही है समझो अगों देखो स्वैलिंग तो नहीं हो रही बिल्कुल सही चल रही है जे स्वैलिंग होना शुरू हो जाए फिर समझो कि तुहाडी जिहड़ी ड्रिप आ ओह अपना हैगा खराब हो गई है। हुण मैं तुहानू दसण लगा इहदा तरीकाकार कि तुसीं किस तरह अपना इहदे विच की पाउणा आ खास करके पारवो का जिहड़ा पेट का मसला हुंदा जिहड़ा पारवो वायरस हुंदा जिहनूं फेटा कहिंदे आ उन च ऑक्सीडल पैंदा एंड अपना नाल एंटीबायोटिक हुंदा नाल तुसीं फ्लैजल भी इस्तेमाल करा सकते हैपामर्द भी इस्तेमाल कर सकते जिगर के वास्ते हुंदा आ फिर उस तो अलावा अपना नाल उल्टी जिहड़े होवे ग्रेविनेड या मैगजलॉन कोई भी इंजैक्शन तुसीं इहनां दे विचों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज सिलेक्ट करनी है छोटा बच्चा वा 2-2.5 महीने रहा 3 महीने इस उम्र जी हुंदा वा उन्हूं 200 ml लावो असीं इहनूं 500 ml ड्रिप ला रहे हैं कि सैट मिलदा उहनूं कहिंदे ब्यूरट सैट शीशे का हुंदा किसी हस्पताल वेख्या होगा इस बोतल च पानी कढ के उहदे विच पाउणा वा
ਉਹਨ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੈੱਟ 'ਚ ਭਰ ਲੈਣਾ। 100 ml ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, 100 ml ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੈਪਾਮਰਜ ਆਪਣਾ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 cc ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, 5 cc ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਲੈਜਲ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਨੋਵੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਨੋਵੀਡੇਟ ਖੁਦ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨੋਵੀਡੇਟ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਲ ਜਾਂ ਸੈਫਟਰਾਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਨੋਵੀਡੇਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਟੇਲ ਸ਼ੇਲ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਵਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਰਮਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਆ। ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੋਲ ਛਿਲਕਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਲੱਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹਦੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀ ਆ, ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਟ ਲਈਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਵੇਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਨ ਨਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਧੜਕਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਨਾਂ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡੈਡ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਕੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਨ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਈ ਲਾਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਲੱਭਦੇ, ਸਿਰਫ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਪੈਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁੱਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਸਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲਾਓ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਓ। ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰਪਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਓ, 1 ਦਿਨ ਲਾਓ, 2 ਦਿਨ ਲਾਓ, 3 ਦਿਨ ਲਾਓ, 4 ਦਿਨ ਲਾਓ, 5 ਦਿਨ ਲਾਓ, 10 ਦਿਨ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਆਪ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੋਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਲੱਤ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਨ ਦਿਓ, 2-4-5 ਬਣੇ ਰੱਖਿਓ, ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਰੂਨ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ, ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਫੇਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਲੈਬਰੇ ਜਾਂ ਰੋਟਵਾਲਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀਰ ਰੀੜ ਰੱਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਲ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੀਏ ਰੋਕੀ 2 ਵਾਸਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਗੇ ਦਿਲ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਲੇ।